शेयरिंग द जर्नी के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चैनल गाइस, मैं हूं अतनु कोलकाता से और मेरे पीछे काम हो रहा है अर्बन क्रूजर का, टोयोटा का, जो इंडिया मार्केट में दो नाम से इंडियन मार्केट में आता है। एक है अर्बन क्रूजर, साथ ही साथ मारुति जब इसका मार्केटिंग करता है उसको कहा जाता है मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा। तो दोनों में भी कुछ चेंजेस है। तो पहले ही आपको एक बार मैं अर्बन क्रूजर के बारे में एक वीडियो बनाया था, आज फिर से काम हो रहा है तो ये दूसरा वीडियो होगा इस चैनल पे। आप चाहे तो वीडियो के एंड में आई बटन में जाके देख सकते हो वीडियो। तो इसमें अभी क्या काम हो रहा है चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है टोयोटा का अर्बन क्रूजर। हम लोग शुरू करते हैं बैक से। अगर आप ऊपर में देखेंगे तो कोई यहाँ आपका शार्क फिन या फिर कोई एंटीना पीछे नहीं दिया गया है। यहाँ आपका ऑलरेडी एक स्लिट दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ हाई माउंटेड स्टॉक लाइट, पीछे का जो मतलब ग्लास है उसमें आपको डिफॉगर मिलेगा, साथ ही साथ वाइपर मिलेगा। और इसके साथ अगर हम लोग साइड में जाते हैं तो देखिए यहाँ आपका यहाँ हेलोजन दिख रहा है अंदर में, ये पूरा हेलोजन है। ये शायद एलईडी है, जलेगा तो पता चल जाएगा। रिवर्स में आपको चार पार्किंग सेंसर दिखेगा टोटल, जो कि एनफ है एग्जैक्टली। नॉर्मली किसी किसी में अभी दो दिया जाता है और साथ ही यहाँ रिफ्लेक्ट है। इसको आफ्टर मार्केट चाहे तो आप इसको चेंज करके डाल सकते हैं इस जिसमें लाइट जलता है, डिपेंडेंट अपन कस्टमर चॉइस। साइड पे आ जाते हैं तो गाड़ी में देखिए आपका छत पे से शुरू करते हैं। छत में आपका नॉर्मल एंटीना है जो कि सामने लगा हुआ है और ये इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो आप शार्क फिन एंटीना में। और यहाँ आपको पूरा प्लास्टिक का जो है रूफ रेल दिखाई दे रहा है जो कि फैक्ट्री फिटेड आता है और काफ़ी हार्ड है, ऐसा नहीं है कि हिल रहा है। तो इसके बाद हम लोग टायर प्रोफाइल में आते हैं। ये टोयोटा से दिया जाता है, पीछे जो है एग्जैक्टली आपका ड्रम है और ये अलॉय, हाँ ये अलॉय है एग्जैक्टली, कोई कवर या नहीं कुछ नहीं है, स्टॉक अलॉय है। जिसका टायर प्रोफाइल है 215/60/R16 एपोलो के टायर्स प्रोवाइड किया गया है। तो मैं जैसे आपको कहता हूँ कि यहाँ अगर आप देखेंगे गाड़ी एसयूवी सेगमेंट में ही गिना जाता है तो यहाँ आपको बहुत सारा जगह मिल जाएगा, तो टायर का चांसेस है आपको अगर इसको बड़ा करना है, अगर आप चाहते हैं। नॉर्मली कोई करता नहीं, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। गाड़ी में बहुत सारा अगर चाहे तो आप क्रोम का काम करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपका ये पूरा क्रोम किट आता है, क्रोम किट में ये पूरा कवर हो जाता है, ये अलग से लगता है। साथ ही साथ यहाँ डोर वाइज़र या रेन वाइज़र दो के तीन चार तरह के आते हैं, एक में से सिल्वर बाइंडिंग रहता है, दूसरे में नहीं रहता, नॉर्मल ब्लैक कलर का रहता है। गाड़ी में देखिए ये पार्ट जो है ब्लैक है, सेम एज़ ये बी पिलर भी ब्लैक है और ए पिलर को भी ब्लैक किया गया है। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मली या रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल रहा है फ्रंट में ड्राइवर के साइड में, और जो मतलब टर्न लाइट है वो ओवर वीएम में दिया जा रहा है। फेंडर में कोई टर्न लाइट का कोई ऑप्शंस नहीं है, सामने और एक ही टायर प्रोफाइल है, नॉर्मली एक ही रहता है, ये कोई बोलने वाला बात नहीं है। आगे से अगर आप लुक देखेंगे तो टोयोटा का जो खासियत है कि कम क्रोम यूज़ होता है मगर बहुत अच्छी तरह यूज़ होता है और उसमें टोयोटा जो लुक है उसको उभार लेता है। इसमें एग्जैक्टली प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के अंदर शायद एलईडी है, एक बार कंफर्म कर लूँगा कि एलईडी है नहीं, मगर नीचे जो है एग्जैक्टली ये आपका हैलोजन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ सिर्फ यहाँ क्रोम का काम किया गया है, यहाँ DRLs है और क्रोम का काम किया गया है लाइट में, साथ ही साथ यहाँ टोयोटा का बैजिंग और नीचे यहाँ क्रोम का काम, और कहीं क्रोम का काम किया गया नहीं। नॉर्मली ये जो ग्रिल है ग्रिल के इस साइड में और उस साइड में और नीचे एक क्रोम, बाकी कोई क्रोम नहीं है। इसको एग्जैक्टली ऑफ वाइट में कलर में रखा गया, ये बॉडी कलर नहीं है, ये अलग कलर है, ये ब्लैक है और उसके बाद ये बॉडी कलर आ गया है। यहाँ फॉग लैम्प के साइड में क्रोम और अंदर में यहाँ क्रोम का थोड़ा सा फिनिश दिखाई दे रहा है जो कि एक अच्छा लुक क्रिएट कर रहा है गाड़ी का। तो गाड़ी में अभी काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो गाड़ी का अंदर से एक बार देख लें कि गाड़ी के अंदर में क्या गया है। इस साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। डोर में अगर देखेंगे तो एक बोतल रखने का जाएगा, साथ ही साथ पेपर रखने का जाएगा। ये हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, इसको अगर चाहे तो आप एग्जैक्टली लेदराइट में आफ्टर मार्केट चेंज कर सकते हैं। ये क्रोम का यूज़ हुआ है यहाँ। नॉर्मली पूरा जो पार्ट है गाड़ी में पूरा डैशबोर्ड पूरा ब्लैक है, सिर्फ यहाँ सिल्वर का एक हल्का सा टच दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्रोम का कोई टच नहीं है, बस यहाँ है हल्का सा और यहाँ क्रोम का है और यहाँ नॉब में दिखाई दे रहा है। बीच में आपका हैंड रेस्ट दिया गया है, ब्रेक का जो
टॉप है, इसमें भी हल्का सा क्रोम दिया गया है। गियर 5+1 में है और ये म्यूज़िक सिस्टम जो है एग्जैक्टली नॉर्मली जो मारुति में हम लोग देखते हैं, शायद ये हरमन का है। अगर आपको पता है एग्जैक्टली किसका है तो बता सकते हैं। ये टस्किन एग्जैक्टली अच्छा ही होता है, म्यूज़िक सिस्टम का क्वालिटी कुछ खास नहीं मगर ठीक ठाक है। मिरर जो है आपका ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक मिरर दिया गया है। यहाँ आपका ग्लास सनग्लास रखने का जगह, साथ ही साथ जो पीछे का लाइट पूरा जो है आपका इसमें सारा लाइट जो दिया गया है वो हैलोजन में ही अंदर में। यहाँ भी बहुत सारा अच्छा एक लाइट का ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए। और यहाँ मिरर दिया गया है वैनिटी में, साथ ही साथ पूरा गाड़ी खोला गया है क्योंकि इसमें अभी काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है काम मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। बीच में एक लाइट दिया गया है, आगे में लाइट दिया गया है। इस साइड से अब का इतना ही पूरा है। पीछे का दरवाज़ा खोल कर मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। पीछे का दरवाज़े में जाएंगे तो सेम यहाँ सॉफ्ट टच है, बाकी पूरा हार्ड टच है। यहाँ सिल्वर का बाइंडिंग दिया गया है। नीचे स्पीकर्स है बहुत साइड में, चारों दरवाजे में स्पीकर्स का जगह करके स्पीकर्स डाला गया। अलग से कोई ट्विटर का कोई प्लेसमेंट का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक, अगर दिखाई देता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं अभी ड्राइवर साइड में, ड्राइवर साइड में क्या क्या हो रहा है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ड्राइवर साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली यहाँ आपका पूरा विंडो कंट्रोल, सिर्फ ड्राइवर का जो है वो है ऑटो, बाकी सारा जो है वो नॉर्मल है। ये आपका लॉक, ये अनलॉक, लॉक अनलॉक बटन यहाँ भी सेम सिल्वर का। अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें एक हल्का सा सिल्वर का एक लाइनिंग दिया गया जो कि अच्छा क्रिएट कर रहा है इमेज। स्टीयरिंग जो है वो सॉफ्ट टच में है, पूरा एग्जैक्टली OEM जो है वो स्टिचिंग किया गया है। साथ ही साथ स्टीयरिंग में इस साइड में क्रूज का कंट्रोल दिया गया है, उस साइड में म्यूजिक सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल, साथ ही साथ यहाँ आपका फ़ोन को रिसीव करने के लिए दिया है। जो मीटर है वो ऐसा है, मीटर काफ़ी कैची है मगर दोनों साइड में मैनुअल है। बीच में एक डिस्प्ले है जिसमें आप देख पाएंगे। इस साइड में आपका जो वाइपर रिलेटेड कंट्रोल और इस साइड में आपका एग्जैक्टली दोनों वाइपर यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। इस साइड में आपका लाइट रिलेटेड कंट्रोल दिया गया है। AC जो है आपका पूरा ऑटोमेटिक है। म्यूज़िक सिस्टम आपका आप ऑलरेडी देख रहे हैं, इन्फो सिस्टम है। और ये चाबी जो है यहाँ, ये एग्जैक्टली पुट स्टार्ट स्टॉप बटन है इसमें, तो इसलिए चाबी अंदर रखा गया है कि गाड़ी को वरना लॉक हो जाएगा। बाकी आपका सीट का काम चल रहा है, फ्लोरिंग होगा और भी बहुत सारा काम होगा, एक एक करके एक एक जैसे होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये अभी के लिए बस काम चल रहा है इधर। ये देखिए राहुल भैया यहाँ कर रहे हैं काम, तो आपको दिखाते हैं। ये है जो सीट कवर्स जो लग रहा है एग्जैक्टली ब्लैक और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन में, वो भी वाइट का स्टिचिंग। इस साइड में राहुल भैया कर रहे हैं काम, एक बार काम होता है तो फिर मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि ये वाला सीट नहीं है, ये वाला है अपना अर्बन क्रूजर का, वो वाला दूसरा किसी का है। एक बार ये होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लोर का जो लैमिनेशन है अर्बन क्रूजर में वो हो गया है, एक बार देख लीजिए पूरा कैसा लुक लग रहा है। और ये अभी सीट फिट हो रहा है। ये जो मटेरियल है वाटरप्रूफ है, इसमें से पानी नीचे फ्लोर में नहीं जाता। अगर गाड़ी का फ्लोर में कुछ गिर जाता है तो नीचे और नहीं जाता। साथ ही साथ बहुत बार पहले भी आपको दिखाया हूँ टेस्ट करके कि ये कैसा रहता है इसका। पीछे यहाँ देखेंगे तो यही से मटेरियल डिक्की में भी स्प्रेड किया जाता है। यहाँ ऑलरेडी वेलक्रो आया था, उसके साथ ये दिया जाता है। पूरा ये देखिए, और इस साइड में भी काम चल रहा है सीट का फिटिंग का। एक बार होता है सीट का फिटिंग तो आपको दिखाते हैं। अर्बन क्रूज़र में जो काम हो रहा था वो कंप्लीट है, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या काम हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा सीट जो कि है बकेट फिट ऑफ वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में, साथ में वाइट और यहाँ ब्लैक स्टिचिंग। ये वाइट स्टिचिंग आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी कंफर्टेबल है सीट कवर्स और बैठने में भी बहुत अच्छे हैं। बैठ के मतलब अच्छा फील होता है, मैं खुद पर्सनली इसमें बैठ के देखा हूँ। ये लग गए हैं आगे में,
गाड़ी में यही कलर यूज़ हुआ है लगभग लगभग। ये देखिए, यहाँ अगर आपको जस्ट ये कलर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना नज़दीक है। बाकी ब्लैक जो है वो तो कॉमन कलर है इंटीरियर का। तो यहाँ पूरा सीट इस साइड से हो गया, ये पैसेंजर सीट, ये हेडरेस्ट। नीचे आपको दिखाना भूल गया मैं, ये देखिए जैसे फ्लोरिंग था उसके ऊपर में ये मैट लग गया। ये मैट पहले से था, अर्बन क्रूज़र का जो बैजिंग दिया है उसमें। इस साइड से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ड्राइवर साइड का जो सीट्स हैं। तो उस टाइम में सीट अवेलेबल नहीं था। ये देखिए, सीट को आप हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ ये पीछे का जो मतलब ये एंगल है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ भी सीट का ये हेड एडजस्टर है, चारों सीट में ही हेड जो है मतलब हेडरेस्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीट का लुक भी एक बार देख लीजिए पूरा। नीचे ये एडजस्टमेंट का स्विच, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको ये मैं बोलना भूल गया था एग्जैक्टली, हेड लाइट लेवलर, साथ ही साथ इसमें मिरर रिलेटेड कंट्रोल सारा यहाँ दिया गया। ट्विटर का मैं बोल रहा था, देखिए ट्विटर यहाँ प्लेस किया गया है, यहाँ ट्विटर प्लेस किया गया है फ्रंट डोर में। पीछे का अगर लुक आपको दिखाऊं तो भैया अभी भी पेंच कस रहे हैं। राहुल भैया हो गया काम? हो गया पूरा काम। पूरा काम कैसा रहा? कैसे रहा, गर्मी में ऐसे हो रहा है, गर्मी एकदम हालत ख़राब है ना, क्या करें, बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर है आजकल कलकत्ता में। तो राहुल भैया इसमें पूरा काम किए। तो ये देखिए पीछे का सीट, ये बीच में जो है हैंड रेस्ट है, साथ ही साथ सेम कॉम्बिनेशन में बीच में ये स्टिचिंग, ये पूरा जस्ट अभी सीट लगा है। तो नॉर्मली इसमें रिंकल नहीं आता है, एक दो जगह अगर दिखे तो एग्जैक्टली वो बैठने के साथ साथ चला जाता है। बाकी पूरा जो है एग्जैक्ट हो गया कंप्लीट। तो ये था अर्बन क्रूज़र 2022। आगे अगर आपको ऐसे वीडियो और भी देखना है तो इस चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग को इसका ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त को पसंद है या फिर किसी को भी पसंद है तो वीडियो को कीजिए शेयर। और आज के लिए इतना ही, मैं अतनु कलकत्ता से, आगे फिर आता हूँ आपके लिए कोई नया बढ़िया सा वीडियो लेके, कोई दूसरा गाड़ी का। तब तक के लिए थैंक यू।